सो हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर गाइस, हम लोग बात करेंगे बॉस एंड चॉक के बारे में। बेसिकली बॉस एंड चॉक क्या होते हैं, इनके बीच में क्या क्या डिफरेंट होते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि बॉस को हम लोग किस पॉइंट पे कौन से लेवल पे ड्रॉ करते हैं एंड चॉक को किस लेवल पे किस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं। तो ये सभी पॉइंट्स गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने काफ़ी अच्छे से कवर किया है, प्रॉपर तरीके से कौन सा लेवल होता है जिसके ऊपर हम लोग बॉस एंड चॉक को ड्रॉ करते हैं। तो वो सभी चीजें मैंने इस वीडियो में काफी अच्छे से कवर किया है, तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना। गाइस ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं चार्ट के ऊपर अगर आप लोग ड्रॉ करते हो। काफी सारे बंदे, काफी सारे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, बिगिनर जो होते हैं, वो इन पॉइंट को काफी गलत मार करते हैं, जो लेबल होता है वो गलत हो जाता है, जिससे कि उनका जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। बेसिकली गाइस अगर आप लोग बॉस को अगर किसी रॉन्ग पॉइंट पे अगर ड्रॉ करोगे तो बेसिकली आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने ही वाला है, क्योंकि जो गलत चीजें अगर आप लोग मार करोगे तो गलत रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। तो इसी के कारण आप लोगों का जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो जाता है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, मैंने जो पॉइंट होते हैं, जो लेवल होता है एक प्रॉपर लेवल, वहां पर कैसे मार्क करें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को, काफी अच्छे से डिस्कस किया है। तो वीडियो आप लोग लास्ट तक देखना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग ये बात कर लेते हैं कि बॉस एंड चॉक होता क्या है। तो बेसिकली गाइस बॉस का मतलब होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, जहां पर गाइस एक रैली होती है, या फिर आप लोग मान लीजिए एक पैटर्न बनता है, एक अपसाइड की जो रैली होती है या डाउन साइड की रैली होती है, वहां पर एक पॉइंट ब्रेक होता है, सेकेंड पॉइंट ब्रेक होता है, तो उसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। फिर उसके बाद गाइस जब चॉक होता है, जो डायरेक्शन चेंज होता है, उसे हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। चॉक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर। मान लीजिए ये एक रैली की मार्केट ने, और मार्केट जब अपना डायरेक्शन चेंज करती है, ये वाला जो डायरेक्शन है, अगर इसने मार्केट ने डायरेक्शन अपना चेंज कर दिया, तो इसे हम लोग चॉक बोलते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो बेसिकली इन दोनों पॉइंट के बीच में ये डिफरेंट होता है। अगर मार्केट एक रैली कर रहा है, एक पैटर्न बना रहा है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए जा रहा है, तो उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं, जहां पर पॉइंट ब्रेक होता है, और उसके बाद मार्केट जब डायरेक्शन चेंज करता है, अपना डायरेक्शन चेंज करते, तो उसे हम लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर बोलते हैं। तो ये आप लोगों को पॉइंट समझ में आ गए होंगे इनके बीच के डिफरेंट। तो अब चलिएगा इसमें आप लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को आप लोग कौन से पॉइंट जो होते हैं, जो प्रॉपर पॉइंट होते हैं, आप लोग कैसे मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यही जो पॉइंट होते हैं, काफी सारे बंदे जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, बिगिनर्स होते हैं, वो गलत पॉइंट पे मार्क करते हैं, उसकी वजह से उनके जो स्टॉप लॉस होते हैं वो हिट हो जाते हैं। और गाइस चार्ट के ऊपर ऐसे कई सारे पॉइंट्स होते हैं, कई सारे लेबल्स होते हैं, जिससे मार्केट ब्रेक तो करती है, पर वो जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है वो रॉन्ग होता है। और ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ये जो जोन क्रिएट किया जाता है गाइस, ये इंस्टीट्यूशनल द्वारा क्रिएट किया जाता है बिगिनर्स को ट्रैप करने के लिए, उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए। तो उनसे कैसे बचना है और एक प्रॉपर लेवल पे हम लोगों को कैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करना है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो थोड़ा ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को काफी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस हम लोग इस डायग्राम के ऊपर समझते हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को ले चलूंगा लाइव चार्ट के ऊपर, दिखाऊंगा कि आप लोग इसको कैसे यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोग यहां पर समझिए, यहां पर देखिएगा इस मार्केट ने इस वाले पॉइंट को, इस वाले लेवल को ब्रेक किया, तो मार्केट का यहाँ पर क्या होगा, ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद गाइस ये वैलिड है कि अनवैलिड है, इसको चेक करने के लिए आप लोगों को वेट करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा गाइस, जब भी मार्केट किसी लेवल को, किसी पॉइंट को ब्रेक करती है, तो आप लोगों को ये देखना है कि मार्केट जो है अपना रिट्रेसमेंट, जो पुल बैक होते हैं, जो रिट्रेसमेंट होते हैं, वो 40 से 50% के आसपास ले, तभी ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। तो ये पॉइंट्स गाइस आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है, माइंड में प्रॉपर याद करके रखना है। जब भी मार्केट किसी लेवल को ब्रेक करे, देन वो रिट्रेसमेंट जरूर ले, और रिट्रेसमेंट वो भी होना चाहिए 40 से 50% के आसपास, तभी हमारा ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर माना जाएगा। अब यहां पर गाइस आप लोग देख सकते हो, मार्केट ने ब्रेक किया, उसके बाद ये एक पॉइंट था, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, ये 20 से 25% के आसपास रिट्रेसमेंट है, तो ये पुल बैक गाइस ये वैलिड पुल बैक नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशनल द्वारा एक जोन क्रिएट किया गया है बिगिनर्स को ट्रेप करने के लिए। बेसिकली ये जो चीज है गाइस, ये एक इंड्यूसमेंट जोन है, और इसे आप लोग लिक्विडिटी भी बोल सकते हैं, इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी सेम होते हैं, बस थोड़ा सा अलग फर्क होता है। तो यहां पर गाइस जो है, इंस्टीट्यूशनल द्वारा एक जोन क्रिएट किया गया है बिगिनर्स को यहां पर ट्रेप करने
के लिए, उनके स्टॉप लॉस को हंट करने के लिए। अब अगर आप लोग देखोगे गाइस तो बिगनर्स क्या करते हैं, जैसे ही कोई पॉइंट्स मिलता है वो ब्रेक होता है तो वो क्या करते हैं, तुरंत एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये हो गया बिगनर्स के सोच। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बिगनर्स बेसिकली ऐसे ही करते हैं, यहाँ पर कोई पॉइंट ब्रेक हुआ तो वो क्या करेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मान लेंगे। बट जो प्रोफेशनल होते हैं, जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद वो 40-50% का रिट्रेसमेंट देखते हैं। बट यहाँ पर कोई रिट्रेसमेंट हुआ नहीं उतना, तो बिगनर्स के लिए ये जो लेवल होते हैं ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, यहाँ पर वो अपना एक जोन क्रिएट कर देंगे, पीवाई या फिर ऑर्डर ब्लॉक। अब ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करने के बाद वो एक दो कंफर्मेशन लेंगे, उसके बाद यहाँ पर अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर उनके स्टॉप लॉस को हंट करेगी और जो एक्चुअल पीवाई होती है हमारी उस पॉइंट में आने के बाद मार्केट रिवर्स करेगी। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं गाइस, ये इंस्टीट्यूशनल द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। ये एक इंड्यूसमेंट एरिया होता है, इंड्यूसमेंट जोन होता है, लिक्विडिटी एरिया होती है, जिसके कारण यहाँ पर बिगिनर्स फंस जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल उनको ट्रैप कर देते हैं, इसी के कारण उनके जो बिगनर्स के जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो हंट हो जाते हैं। तो गाइस आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी मार्क नहीं करना है, क्या करना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो देन आप लोग रिट्रेसमेंट के लिए वेट करिए कि कितना रिट्रेसमेंट हो रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ रिट्रेसमेंट मिले तो आप लोग यहां पर समझ जाइए कि यहां पर आप लोगों को ट्रेप करने के लिए ये सभी जोन क्रिएट किए जा रहे हैं, तो ये एक इंड्यूसमेंट एरिया हो जाती है। तो आप लोगों को यहां पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, मार्केट जब अगेन रिट्रेसमेंट ले 40-50% के आसपास देन आप लोग अपने ट्रेड को ओपन कर सकते हो कंफर्मेशन के साथ में। तो ये होती है गाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने की एक पॉइंट और एक ट्रिक। तो वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने के लिए ये आप लोगों को ध्यान में रखना है गाइस, रिट्रेसमेंट हो, इंड्यूसमेंट अगर क्रिएट हो रहा है तो वहां पर आप लोगों को बच के रहना है, रिट्रेसमेंट हो 50% के आसपास देन आप लोग अपनी एंट्री यहां पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब इसके बाद गाइस अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, वैलिड पुल बैक भी लिया, उसके बाद यहां पर ये जो पॉइंट था मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से मार्केट ने पुल बैक, जो रिट्रेसमेंट था वो अच्छे खासे रिट्रेसमेंट ली 50% के आसपास, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, वैलिड पुल बैक हम लोगों को मिला, ये भी वैलिड हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पर अब आने वाला है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर कैसे चेंज होता है इसको आप लोगों को थोड़ा सा देखना है। अब यहाँ पर गाइस मार्केट को अगर एक रैली करना था, एक पैटर्न बनाते हुए जाना था हायर हाई हायर लो का, तो मार्केट को क्या करना था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, इसका रिसेंट लो ये था, उसके बाद ये रिसेंट हाई बनाया, अब मार्केट पुल बैक लिया। अब यहाँ पर मार्केट ने पुल बैक लिया तो मार्केट को क्या करना था, मार्केट को इस वाले लेवल को ब्रेक करके यहाँ तक आना था एक न्यू पैटर्न बनाने के लिए। बट मार्केट ने क्या किया गाइस, मार्केट ने हमारे रिसेंट हाई को डिफेंड किया, इसको रिस्पेक्ट किया और इसको रिस्पेक्ट करने के बाद हमारा जो रिसेंट लो था उसको ही ब्रेक कर दिया। तो ये क्या हो गया गाइस, हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर गाइस हम लोगों को ये कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट ने रिसेंट लो ब्रेक किया, तो अब मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला है, अब यहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाला है। तो ये होता है गाइस चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब यहाँ पर भी गाइस जो बिगनर्स होते हैं वो ट्रेप हो जाते हैं, इंस्टीट्यूशनल द्वारा एक जोन क्रिएट किया जाता है, इंड्यूसमेंट या लिक्विडिटी उनके द्वारा यहाँ पर वो ट्रेप हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं गाइस, अगर आप लोगों को मैं दिखाऊँ तो मार्केट ने ये रिसेंट लो बनाया, रिसेंट हाई बनाया, अब मार्केट यहाँ पर आई, उसके बाद उसने एक यहाँ पर एक हाई बनाया, फिर मार्केट ने क्या किया, रिसेंट लो को ब्रेक किया। तो ये हमारा जो रिसेंट लो था ये हमारा वैलिड रिसेंट लो था। बट मार्केट में क्या करते हैं गाइस, जो बिगिनर्स होते हैं वो इसी को रिसेंट लो मान लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ पर अपना ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेंगे। देन क्या करेंगे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर इसको मार्क करेंगे। बट ये वाला जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ये एक्चुअल लो नहीं होता है, रिसेंट लो ये है। जब तक इसको मार्केट ब्रेक नहीं करेगी तब तक आप लोगों को अपसाइड की रैली ही देखना है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक्चुअल लो को हमारे ब्रेक किया, बट जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसको ही रिसेंट लो मान लेते हैं और चेंज ऑफ कैरेक्टर ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर अपनी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर देंगे। और इस जोन में जब आएगी मार्केट तो वो क्या करेंगे, एक एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ रखेंगे, फिर क्या होगा, मार्केट जो है उनकी स्टॉप लॉस को हंट करके एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक में जाने के बाद रिवर्स करेगी। तो ये जो एरिया होते हैं गाइस, ये एरिया इंस्टीट्यूशनल द्वारा क्रिएट किए जाते हैं, ये एक इंड्यूसमेंट होता है, लिक्विडिटी होता है, तो इसमें आप लोगों को बेसिकली नहीं फंसना है। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ जोन मिले
तो वहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, तब आप लोग एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। तो ये होती है गाइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कैसे मार्क करना है, कौन से लेवल पे, कौन से पॉइंट पे आप लोगों को ये सभी पॉइंट्स मार्क करने होते हैं। सो फाइनली गाइस मैं आ चुका हूँ चार्ट के ऊपर, और चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन सा प्रॉपर लेवल होता है जहां पर आप लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को मार्क कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगर आप लोग देखोगे तो ये एक लेवल था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया और क्लोजिंग भी इसके नीचे हुई, तो ये हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसको हम लोग मार्क करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। उसके बाद गाइस क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट ने पुल बैक कितना दिया। अब यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद 50% के आसपास पुल बैक लिया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। उसके बाद मार्केट ने फिर से इस वाले पॉइंट को ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करेंगे, फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि मार्केट ने पुल बैक कितना लिया। तो मार्केट ने ब्रेक करने के बाद यहाँ पर अपना लो लगाया, रिसेंट लो, उसके बाद यहाँ पर जो पुल बैक था, रिट्रेसमेंट था, वो आप लोगों को 50% के आसपास देखने को मिला, तो ये वैलिड हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को फिर से देखना है कि मार्केट ने इस वाले लेवल को कब ब्रेक कर दिए। तो मार्केट ने फिर से इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने इसको ब्रेक करने के बाद पुल बैक कहाँ पर लिया। अब इसको यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना गाइस, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर देखिए गाइस मार्केट ने इसको ब्रेक किया, बट यहाँ पर जो पुल बैक था, ये जो पुल बैक था, या फिर आप लोग इसको मान लीजिए ये वैलिड पुल बैक नहीं था, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी भी वैलिड नहीं है। तो आप लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मार्केट में जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे कि इसको मार्केट ने ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, देन ये वाला जो लेवल है इसको भी मार्क कर लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको मार्क कर लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसको भी बॉस मार्क कर लेंगे, इसको भी मार्क कर लेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को देखना है कि मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद रिट्रेसमेंट कहाँ दे रही है, 50% या 40% के आसपास। तो मार्केट ने यहाँ पर काफी सारे लेवल्स तो क्रिएट किए, बट ये जो लेवल्स होते हैं गाइस ये इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, ये माइनर स्ट्रक्चर होते हैं, तो इनमें आप लोगों को नहीं फंसना है। तो यहाँ पर गाइस मार्केट ने जब इस वाले लेवल को ब्रेक किया तो मार्केट ने यहाँ पर एक डीप लो लगाया, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर डीप लो लगाने के बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट अपना जो था वो 50% के आसपास दिया, तो ये क्या हो गया गाइस हमारा वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को यहाँ पर काफी सारे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे जैसे कि इस पॉइंट्स में, तो ये सभी जो पॉइंट्स होते हैं गाइस ये इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक होते हैं। इसमें अगर आप लोग ट्रेड करते हो, ट्रेडिंग करते हो, तो ये सभी काउंटर ट्रेड होते हैं, तो इसमें आप लोगों के स्टॉप लॉस हिट होने के काफी सारे चांस होते हैं। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये ब्रेक किया मार्केट ने, इसको ब्रेक किया, तो ये सभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो तो रहे हैं, पर ये सभी इंटरनल स्ट्रक्चर हैं। हमारा जो रिसेंट हाई है ये वाला रिसेंट हाई है और ये वाला रिसेंट लो है। अब मार्केट जब इनमें से किसी को ब्रेक करेगी तभी हम लोग कन्फर्मेशन ले सकते हैं मार्केट से कि मार्केट किस साइड जाने वाली है। जैसे कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर गाइस आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, ये माइनर स्ट्रक्चर होते हैं। माइनर हाई हो गया, ये माइनर हाई हुआ, हमारा जो मेजर हाई है ये वाला है मेजर हाई, उसके बाद ये जो लो है ये मेजर लो है। तो इनमें आप लोगों को नहीं फंसना है, इसमें आप लोगों को ट्रेप नहीं होना है, आप लोगों को पुल बैक देखना है, उसके बाद आप लोग देख सकते हो कि मार्केट किस साइड जाने वाली है। अगर इसको ब्रेक करेगी तो चेंज ऑफ कैरेक्टर, अगर इसको ब्रेक किया तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने अगेन पुल बैक लेने के बाद मार्केट ने इस वाले पॉइंट्स को ब्रेक किया, तो ये गाइस हमारा हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इसको भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। उसके बाद गाइस मार्केट ने इस वाले लेवल को ब्रेक किया, तो ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मार्केट ने लो लगाया, रिट्रेसमेंट 40-50% के आसपास दिया, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद गाइस मार्केट जब इस वाले लो को ब्रेक करेगी तो ये हो जाएगा हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो मार्केट ने इसको भी ब्रेक किया, तो इसको हम लोग मार्क कर लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब गाइस मार्केट को क्या करना है, ब्रेक करने के बाद पुल बैक लेना है। तो मार्केट ने ब्रेक करने के बाद एक डीप लो लगाया, बट पुल बैक भी आप लोगों को अच्छा खासा मिला, 50% से ज्यादा मिला, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अब मार्केट को क्या करना है गाइस, थोड़ा सा यहाँ पर आप लोग पॉइंट पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर अब हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर का पॉइंट आएगा। चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पर कैसे यूज करना है आप लोगों को ये देखना है, तो ये पॉइंट आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में देखना है। तो यहाँ पर गाइस मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया, एक डीप लो लगाया, पुल बैक भी हम लोगों को अच्छा खासा मिला, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। बट गाइस मार्केट को अगर अपना पैटर्न जारी रखना था या कंटिन्यू रखना था तो उसको क्या करना था, इस वाले लो को ब्रेक करके अपना न्यू पैटर्न बनाना था। बट गाइस अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने इस वाले लो को डिफेंड किया, और डिफेंड करने के बाद गाइस मार्केट ने हमारे रिसेंट हाई को ही ब्रेक कर दिया, तो ये क्या हो गया गाइस हमारा
चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को फिर से बताता हूँ। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, डीप लो लगाया, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद मार्केट को क्या करना था, इसको ब्रेक करना था, तभी इसका न्यू पैटर्न बनता। बट मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट किया, उसके बाद मार्केट ने हमारे जो रिसेंट हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हो गया गाइस हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया कि अब डायरेक्शन में चेंज करने वाली हूँ, यहाँ से रिवर्स होने वाली हूँ। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। अब आप लोगों को क्या करना है गाइस, मार्केट जब भी आप लोगों को चेंज ऑफ कैरेक्टर देती है तो आप लोगों को ये देखना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ क्रिएट हुआ है। यहाँ पर आप लोगों को नहीं फंसना है, यहाँ पर आप लोगों को ये नहीं मार्क करना है कि ये जो लेवल है ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है। तो अगर आप लोग यहाँ मार्क करोगे तो आप लोग डेफिनेटली फंस जाओगे। ये एक इंड्यूसमेंट है, ये एक लिक्विडिटी एरिया है। तो अगर आप बिगनर्स होंगे तो इसको भी मार्क कर लेंगे, बट ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। तो यहाँ पर गाइस अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर हमारा एक इंड्यूसमेंट बना, एक लिक्विडिटी जोन बना, और उसके बाद गाइस चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद हम लोग मार्क करेंगे ऑर्डर ब्लॉक, और ऑर्डर ब्लॉक में आने के बाद गाइस हम अपनी एंट्री एक्सिक्यूट करेंगे। तो यहाँ पर गाइस अगर आप लोग देखोगे तो मैंने बिग टू बिग अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको मार्क किया है, क्योंकि ये जो पॉइंट था, ये जो कैंडल था, काफी इंपल्सिव कैंडल थी, तो मैंने इसको बिग टू बिग मार्क कर लिया। अब मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक में एंटर की तो हमारा जो एंट्री होगी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो इसके नीचे हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे थोड़ा सा, ये हो गया हमारा स्टॉप लॉस। एंट्री हमारी हो जाएगी इसके हाई के आसपास। तो ये हो गया हमारा टारगेट प्राइस। अब यहाँ पर गाइस अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने इंड्यूसमेंट क्रिएट किया, लिक्विडिटी क्रिएट किया, तो लिक्विडिटी लेना था, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वैप की, हमारे ऑर्डर ब्लॉक में भी इंटर की, तो हमारी एंट्री यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब एंट्री लेने के बाद गाइस आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा खासा हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप लोग गाइस पॉइंट टू पॉइंट जो प्रॉपर लेवल होता है उस के ऊपर अगर आप लोग चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा मार्केट से। तो आप लोग ऐसे ही मार्क किया करो, थोड़ा सा चार्ट को रीड किया करो, देखा करो कि कहाँ पर पुल बैक हो रहा है, कहाँ पर रिट्रेसमेंट हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ पर दे रही है मार्केट, आप लोग उसके बेसिस पे एंट्री ले सकते हो। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर गाइस आप लोग देख सकते हो मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुल बैक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पुल बैक, यहाँ पर भी मार्केट ने इसको ब्रेक किया, पुल बैक। अब आप लोग देख सकते हो गाइस काफी अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट चल रही है। तो आप लोग ऐसे मार्क कर सकते हो, थोड़ा अच्छे से मार्क करो, आप लोगों को प्रॉफिट जरूर होगा। तो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये सभी पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, नॉलेजबल लगा हो, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। यार इतना तो कर ही सकते हो, मैं आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत करता हूँ, इतना डीपली जाके आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। तो यार आप लोग इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए। अब गाइस मैं अगर आप लोगों से बोलूं, अगर आप लोग किसी पेड मेंबर ग्रुप में जाकर अगर देखते हो तो इतना डीपली आप लोगों को नॉलेज नहीं दिया जाएगा जितना डीप मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो यार आप लोग इतना तो कर ही सकते हो, इतना सारा फ्री में नॉलेज दे रहा हूं, तो आप लोग मेरे लिए थोड़ा सा तो इतना चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर तो कर ही सकते हो, तो इतना कर दिया करो। तो बस मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।